देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है और बिहार विधानसभा में भी मतदान का क्रम जारी है। 243 सीटों की यह विधानसभा है, लेकिन वोट डालेंगे 242, क्योंकि एक विधायक अनंत सिंह जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनको सजा हो गई है अदालत से। साथ ही 40 सांसद हैं यहाँ के और राज्यसभा के 16 सदस्य हैं, तो कुल मिलाकर जो वोट है वो 81,000 से ज़्यादा का वोट है, जिसमें जाहिर तौर पर एनडीए का वोट जो है वो सबसे ज़्यादा है। करीब हम कह सकते हैं कि 55-56 हज़ार के करीब में एनडीए का वोट है। हमारे साथ राणा रणधीर सिंह हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। ये बताइए कैसे वोटिंग कैसी चल रही है अंदर? नहीं देखिए, आज बिहार के लिए तो बड़ा ऐतिहासिक, देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है कि देश के संसदीय प्रणाली के सर्वोच्च पद के लिए आज मतदान होना है। तो यहाँ के विधायकों में बहुत उत्साह है। आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हुई और सैकड़ों की कतार लोग लाइन में लगकर बड़े उत्साह के साथ, मैं भी अभी वोट देकर आया हूँ, मेरे पीछे भी करीब 50-60 लोग खड़े थे, तो बहुत उत्साह है। और पहली बार आज़ादी के बाद एक आदिवासी महिला को, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को जो उम्मीदवार बनाया है माननीय एनडीए ने और प्रधानमंत्री जी ने, तो इस निर्णय का स्वागत देश की जनता कर रही है। वोट डालने कैसे गए, क्या प्रक्रिया है, कुछ बताइए। नहीं, वोट की जो प्रक्रिया है, मेरा दूसरा अवसर है तो एक तो उत्साह रहता है, आपको अनुभव भी है, दूसरा है। जी हाँ, बिल्कुल अनुभव है और बहुत अच्छे प्रकार से आपकी व्यवस्था अंदर में बनाई गई है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, वहाँ मोबाइल कलम नहीं ले जाना होता है, आई कार्ड लेकर जाइए और क्षेत्र संख्या बताइए, लोग बैठे रहते हैं, गाइड करते हैं। और जो मतदान की प्रक्रिया है कि एक लकीर खींचनी होती है, वो दे के अपने उम्मीदवार जिसको आप मत देना चाहते हैं वो दे के आप मतदान, गुप्त मतदान होता है बैलेट के तरीके से, बैलेट पेपर से, जो पहले मतदान हम लोग करते थे तो इसमें उसी प्रक्रिया को अपनाई जाती है और उसी के माध्यम से सभी। क्या दिख रहा है यहाँ बिहार का, विधानसभा की बात करें तो ट्रेंड क्या दिख रहा है, किसके प्रति ज़्यादा झुकाव? नहीं देखिए, एक तो पूरे देश में, न केवल बिहार में, पूरे देश में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, चूंकि जैसा मैंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार तो महिला और दूसरी आदिवासी, तो सभी एक तरह से दल का बंधन टूट गया। बिहार की बेटी हैं तो उस नाते, उड़ीसा तो बिहार ही में था, हम सब बिहारी के मानते हैं, बाद में अलग हुआ, तो एक उस नाते पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो इधर की बेटी हैं, तो इस नाते इधर के राज्यों में वो पार्टी का कोई बंधन है ही नहीं। आप देखेंगे जब मतदान का रिजल्ट आएगा, ये तो पता तब चलेगा ना कि जब आपकी जो संख्या है उससे ज्यादा आपको वोट मिल जाए, कि दूसरे दलों ने भी इसको प्रभावित होकर वोट डाला है, तभी तो माना जाएगा। आप तो खैर एनडीए के हैं तो आप तो देंगे ही। एक तो एनडीए दलगत वोट है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आप कह रहे थे 56,600 कुछ वोट हम लोगों का है, वो भी बड़ा अंतर है। लेकिन उसके अलावा मैं विपक्ष के मित्रों को भी, उनकी जो, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था और उनसे मिलने पर जो आभास होता है, उस नाते कह रहा हूँ कि दलों के बंधन टूट गए और वो लोग भी महिला के नाम पर बिहार की बेटी को ऐतिहासिक जीत तो मिल ही रही, तो इस ऐतिहासिक जीत में वो भी अपना योगदान करेंगे और बिहार की बिटिया को, आदिवासी बिटिया को, और पहली बार जो एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसमें अपनी भी सहभागिता, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके हाव भाव है, लग रहा है, मतलब लग रहा है कि बिल्कुल करेंगे, करेंगे जी। कौन लोग आशान्वित हैं, दलों के बंधन टूट गए हैं, तो मुझे लगता है कि सभी पार्टी से लोग जो है, जो दलित आदिवासी महिला को आगे लाने वाले विचारधारा के लोग हैं, वो तमाम लोग एक साथ आकर मतदान करेंगे, दलों के बंधन टूट गए। चलिए, मतलब आप छिपे तौर पर कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगी? लोगों का इतना उत्साह है और राष्ट्रपति जी का, जैसा मैंने कहा कि पहली बार ये मौका मिला है देश को और बिहार की बेटी इतना संघर्ष करके जीवन का, देखेंगे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन, यशवंत सिन्हा भी तो यही के बेटे हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन जब बेटियों का तो ऐसे भी समाज में थोड़ा हम लोग, उनका हक ज्यादा होता है, तो इस नाते यहाँ के लोगों में ये भाव है, सभी दल के जो माननीय विधायक हैं उनके मन में ये भाव है, मुझे विश्वास है कि वो अपना मत जो है वो दम करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राणा रणधीर सिंह जो कि बता रहे थे कि मतदान में काफ़ी उत्साह है और एक घंटे में ही 100 से ज़्यादा विधायकों ने मत डाल दिया है। तो देखा जाए तो यहाँ तो 15 द्रौपदी मुर्मू का ही भारी दिखाई दे रहा है,
अब उस संख्या के जितनी एनडीए की संख्या उससे ज़्यादा वोट आता है तो क्रॉस वोटिंग माना जाएगा कि दूसरे दलों ने भी उनका समर्थन किया है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।